Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. मुझे माफ कर दें तबेज जी, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस कर दें प्लीज। ठीक है सुबी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन जब उजाला कहेगी तो हमजा तुम्हें उसको देना पड़ेगा। फिलहाल तुम ले जाओ इसे। शमा, उजाला क्या हुआ है? उजाला क्या हुआ है? मुझे बहुत अच्छा। उजाला तुम इधर आओ, गाड़ी में बैठो, आराम से गाड़ी खोलो। शमा, उजाला आराम से, मैं तुम्हें बैठा। उजाला प्लीज मत। उजाला प्लीज रोना मत। शमा मेरा बेटा ऐसा क्यों होता है? मैं तुमसे कहा था ना, तो डर लग रहा है, मैं खुश नहीं हो सकती इतना। तुम क्यों ना, क्या हो गया मेरे साथ? उजाला प्लीज रोना बंद करो, अल्लाह ताला का यही फैसला था। प्लीज खुद को संभालो। नहीं है, मैं बदकिस्मत हूँ। उजाला मत कहो ऐसा, तुम बदकिस्मत नहीं हो, शुरू से ना याद करो। पता तुम्हें, मैं मेरे अंदर से ना इसे वहां से आया करती थी कि मैं बदकिस्मत हूँ, मैं झुटला दिया करती थी, मैं इसको सुना ही नहीं करती थी। उजाला प्लीज इस मत रो, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है? कोई मेरी तकलीफ को भी तो अंदाजा करे। मेरी गोद पड़ने से पहले ही उजड़ गई शमा। मैं किसको किसको पकड़ूं था, मुझे बताओ। तब्रेज भी मुझसे बात नहीं करी, मुझे पता है मैं किसको पकड़ूं। तुम कुछ कर सकती हो? तबरेज जी, आप यहाँ पे इस तरह से क्यों खड़े हुए? काम वाम पे नहीं जाना क्या आपने? जरूर प्लीज जाओ यहाँ से। आप तो इस तरह से मुंह लटका के यहाँ पे खड़े हुए कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है और हकीकत सच्चाई में बदल जाएगी जैसे। जूबी मेरा मूड बहुत खराब है, अगर तसल्ली नहीं दे सकती ना तो बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको तसल्ली देने आई हूँ, समझ आई? शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको हमजा की शक्ल में औलाद दे दी। अगर उजाला के चक्कर में होते ना तो सारी जिंदगी बे औलाद रहते। इस तरह घूरे घूरे नहीं, मुझे मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उस लड़की को अपना खुद ख्याल नहीं था, एहतियात करनी चाहिए थी ना उसको। जूबी क्या जूबी जूबी लगा के रखा है आपने? मैं हर बात सच कहती हूँ तबरेज जी। उसको आपको पता है तो डॉक्टर ने कितनी बार कहा था कि एहतियात करना एहतियात करना, सारा सारा दिन तो वो बाहर घूमती थी। उसको अपना ख्याल लेता तो आपका क्या ख्याल होता उसको? मुझे सब पता है, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सब कुछ पता है ना तो जाए काम पे और या मुंह लटका के खड़े मत रहे। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है। या अल्लाह, फिर उजाला की खुशियों को नजर लग गई किसी की। अब कोई क्या कर सकता है अम्मा, यही किस्मत में लिखा था। उजाला ठीक कहती है, उसकी किस्मत काली स्याही से लिखी गई है। पता नहीं कौन सी नहुसत है जो उसकी खुशियों को खा जाती है। ये नहुसत वहुसत कुछ नहीं होती, होता वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है। मैं तो उसके मुकद्दर से हैरान। जब से शमा की कॉल आई है मेरे अंदर कुछ मुझे परेशान कर रहा है। इतना खुश थी ना उजाला अपने माँ बनने पर, अब पता नहीं क्या हालत होगी उसकी। बस अल्लाह ताला की इसी में रजा थी। उजाला मेरा ख्याल है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर ने तुम्हें वैसे भी मना किया वैसी एक्टिविटीज करने से जो तुम्हें थका दे, और वहां जाके तुम थक जाओगी। छोड़ दो ये चीज। किया था ना कि मत जाओ सिद्रा की तरफ, लेकिन तुम मेरी सुनती कहां पर हो? क्या मतलब है आपका? ये सब कुछ मेरी वजह से? हाँ,
तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारी लापरवाही और हठधर्मी का नतीजा है। क्या कह रहे हैं? जाना, सारी की गलती तुम्हारी है। तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी। आप कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ जानबूझ के? हाँ जाला, तुमने जानबूझ के सब कुछ किया। तुम हमेशा अपनी बात मनवाती हो। मैंने कहा था कि सिद्रा की तरफ ना जाओ, तुम जानबूझ के गई वहां पर। मैंने मना भी किया था तुम्हें, करवा दिया ना मेरा इतना बड़ा नुकसान तुमने। आपका नुकसान? नुकसान तो मेरा हुआ है, आपका तो अपना बच्चा है ना मौजूद, और सारे में तो बस मैं रही हूं। तो मेरा बेटा तुम्हारा कुछ नहीं लगता? नहीं। बात सुन, बाहर जाके देख तो जरा, तबरेज़ और उजाला का बड़ा झगड़ा हो रहा है। किस बात पे हो रहा है, पता है तो कर जाके। आवाज आ रही है, सारी आवाज आ रही है, लेकिन जब आ गई मेरी लगाई हुई तो मैं क्या जाके देखूं? अब बस तू निकलता हुआ धुआं देख दे। तबरेज तेरे कहने पे जाके उजाला से लड़ रहा है, फिर तो ये बड़ा ही कमाल हो गया भाई। कमाल तो मैं करती रहती हूँ बेबे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैं इन दोनों को इतना लड़वाती हूँ, ये लोग एक कैसे हो जाते हैं? बात सुन, ऐसे मौके पे ही ना शौहर का दिल जीता जाता है, और इस वक्त तबरेज ना बड़ा दुखी हुआ हुआ है उजाला की तरफ से, तो उसकी दिलजोई कर, क्या समझी? अरे भाड़ में जाए बेबे, मैं ये बंदा जो है ना, ये कभी मेरा हो ही नहीं सकता, ये फिर उजाला के पास जाएगा, फायदा फिर ना। बात सुन, जो मैं कह रही हूँ ना, तू बस वो कर, आई समझ? हर बात पे बहस करती है। रुक जा, मैं खुद ही देख कर आती हूँ क्या चल रहा है। चल एक काम तो हो गया, फड्डा करा दिया इनके बीच में। जब मेरा अपना शोहर ही मेरा नहीं है, तो मैं किसी सतीली औलाद को अपना क्यों कहूँ? तो तुम अब मेरे बेटे से इस वजह से सौतेलापन करोगी? मेरा बच्चा, मैं तंग आ चुकी हूँ सब कुछ सुन सुन के। तबरेज़ बस कर दे। मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम मुझसे कितनी तंग आ चुकी हो। अब यहाँ मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आए ना, किसी ने कान भर के भेजा है जरूर आपको। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो किसी की बातों में भी आ जाऊँ। गलती तुम्हारी थी, मानो इसको, इसकी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, मेरी गलती थी, तो आप चले जाए ना यहाँ से, जाए यहाँ से, मैं बर्दाश्त कर लूंगी ये दुख खुद, जैसे मैं हर सदमा हर मार अकेले बर्दाश्त करती आई हूं। तुम्हें तो सदमा भी नहीं है उजाला, अभी भी अपनी मजबूरी का लाग राग रही हो तुम। तुमने खुद को बहुत अकेला कर लिया उजाला। हाँ मैं हूँ अकेली, तन्हा हूँ मैं बिल्कुल, कोई नहीं है मेरा जिंदगी में, आप भी मेरे नहीं है। आप भी सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए आते हैं यहाँ पर। चले जाए, चले जाए मेरी जिंदगी से, निकल जाए यहाँ से, जाए। कहाँ गायब थे? कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें? अभी काम में बिजी था मैं, आपके हस्बैंड की तरफ बॉस नहीं हूँ मैं जो कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर देते हैं, फील्ड का काम है मेरा, सारा दिन बाहर घूमता रहता हूँ मैं। तुम्हारी फजूल बातें कभी खत्म होंगी? तुम्हारे चक्कर में मैं जरूरी बात करने ही भूल गई। अच्छा मुझे बताए ना, इतने इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? इमरजेंसी मुझे नहीं है, उजाला को है, मुझे उसके घर छोड़ दो प्लीज। क्यों, क्या हुआ उजाला को? कल मेरे घर आई थी ना, हाँ। जाते हुए उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका मिसकैरेज हो गया, पता है बहुत परेशान थी वो। मिसकैरेज? तो बहुत बुरी खबर है भाभी, अगर अचानक से कैसे? पता नहीं, वो तो जाके पता चलेगा, बहुत परेशान थी वो, पता है इतने टाइम बाद उसे गुड न्यूज मिली थी और अब ये हो गया। भाभी मेरी तरफ से जाके अफसोस कर दीजिएगा। पता नहीं क्या हाल होगा उसका, इतनी शदीद ख्वाहिश थी उसे माँ बनने की, लेकिन भाभी ना आप जाके उसे तसल्ली दीजिएगा, ना कि वहाँ जाके हाय बहन ये क्या हो गया, ऐसी बातें ना कीजिएगा। ऐसे मौकों पे ना औरतों को सहारे की बड़ी ज़रूरत होती है। खुर्रम प्लीज़ इस टाइम पे तो ऐसी बातें मत करो,
बैग लेके आती हूँ। अच्छा मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आएगा। पता नहीं क्या हो गया यार। बहुत अफसोस है तुम्हारे बच्चे का, नुकसान तो बहुत बड़ा है मगर अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते बेटा। बिल्कुल, कभी कभार किसी एक ही गलती की वजह से दूसरों को नुकसान उठाना पड़ जाता। गलत कह रहे हो, सारा इल्जाम तुम अलजाला पे लगा रहे हो। नहीं हुआ, आप उजाला से बात करके आई है इसलिए उसी की साइड ले रही हैं आप। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मुझे तुम दोनों बच्चे अजीज हो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि इस हालत में उजाला को तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत है इसीलिए उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। बताया नहीं उसने आपको? सब बताया, गुस्से में कुछ तुमने कह दिया कुछ उसने। अब सब खत्म करो और आपस के ताल्लुकात सही करो। हुमानी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। मैं बहुत सी बातें उजाला की इग्नोर कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन इस बार उसने बहुत तकलीफ दी है मुझे। खैर मुझे एक जरूरी काम से जाना है, आप बैठें फिर कभी बात होगी। उजाला ये तबरेज क्यों इतना बोल कर गया है? एक तो नुकसान भी तुम्हारा हुआ है और बातें भी तुम्हें सुना कर गया। मेरी गलती है शमा, मैं वहां जाती मेरी तबीयत खराब होती। उजाला अगर तुम सारा दिन बेड पर भी पड़ी रहती ना तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में ही ये नुकसान लिखा था, हर हाल में इसको होना था। इतनी सी बात तुम्हारे शोहर को क्यों नहीं समझ में आती? इसको क्या बोलूं, इतनी गलती मुझे साफ दिखाई दे रही। उजाला तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना ये सारे लोग तुम पर हावी हो चुके हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि तबरेज तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें खुद इस घर से बाहर निकाल देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी, गुस्सा है मुझसे, ठीक हो जाएंगे तुम देखना। उजाला पता नहीं कौन सी खुशफहमियों की दुनिया में रहती हो तुम, मगर हवा का रुख बदलने में देर नहीं लगती, खुद को मजबूत करो। क्या कहना चाह रही हो तुम? चला आज से पहले मैंने तबरेज के इतने खतरनाक तेवर नहीं देखे, आज तो वो बहुत बदला हुआ लग रहा था। बदल तो बहुत कुछ किया है शमा। तो चला तुम भी खुद को बदलो ना, तबरेज पर इस तरह डिपेंड मत हो। क्या मतलब है तुम्हारा? उजाला देखो, सबसे पहले मर्द का लहजा बदलता है, फिर उसकी नजरें और फिर उसका दिल। अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त तुम पर आए, इससे पहले तुम खुद को संभालो ताकि किसी के बदलने का फिर तुम्हें दुख ना हो। उजाला तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रही हूं? नहीं है मेरा ताल्लुक किसी से, जब मेरा अपना शोहर ही मेरा नहीं है तो मैं किसी सुतेली औलाद को अपना क्यों कहूं? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं तंग आ चुकी हूं सब कुछ सुन सुन के। तबरेज बस कर दे। ताई तैमूर क्यों बाहर से चला गया, उसे अंदर तो बुलाती, उजाला का हालचाल ही पूछ के चला जाता। अरे ऑफिस से वापसी में पूछेगा, मेरी बेटी कैसी है अब? ठीक हूं ताई। यकीन मानो मेरा तो दिल धड़कना ही बंद हो गया जब मैंने ये सुना, ये सब कुछ कैसे हो गया बेटा? स्थाई अम्मा, नुकसान होना था मेरा, हो गया। आपको पता तबरेज सारी जिम्मेदारी उजाला पे डालकर इसे इतना झगड़ा करके गया? क्यों, उसका दिमाग तो ठीक है क्या? उसका दिमाग कहाँ ठीक होना है, उस पेंडू औरत ने उसका दिमाग जो खराब कर दिया, बिल्कुल उसकी जबान बोलकर गया वो। उजाला तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उसे बताओ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगी। उजाला बेटा तुम तबरेज से बात करो, इस तरह बदगुमान नहीं करो अपने आप से, बताओ वरना इस तरह तो जुबी फायदा उठाएगी। ताई यही बात तो मैं इसे समझा रही हूँ मगर ये जिद पकड़ के बैठी है, मान ही नहीं रही है। अब तबरेज जी हुआ के खाना खा लें, आपने रात से कुछ भी नहीं खाया। मेरा कुछ खाने पीने का मूड नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, आपकी जगह कोई और होता तो उसका भी आपकी तरह हाल होता।
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। और आप इस तरह तकलीफ में होते मुझसे देखे नहीं जाता, मेरे दिल को कुछ होने लगता है तबरेज जी। जो भी पता, दिल की नहीं सुननी चाहिए, दिल की सुन के हमेशा नुकसान होता है। हाय अल्लाह, ये कैसी बात कर दी आपने। अगर दिल किसी सही इंसान को दिया जाए तो कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अब पता कैसे चले कि कौन गलत है और कौन सही? मैं आपको बता रही हूँ ना, उजाला बाजी गलत है। वो चाहती नहीं थी कि ये बच्चा बच्चा हो। आप खुद देखें, मेरी दफा में आपने मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, लेकिन मुझे इस बच्चे का ख्याल था। मैंने एहतियात भी किया, सब कुछ किया, और देखें सब ठीक से हुआ, क्योंकि ये आपकी अमानत थी। मैं आपको सलामत देना चाहती थी बिल्कुल। माँ जूबी, तुम्हारा शुक्रिया मुझे एक सेहतमंद बेटा देने के लिए। अल्लाह, ये कैसी बातें करें तबरेज जी आप। मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे शौहर हैं। ये तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपका ख्याल रखूँ, आपके बच्चे का ख्याल रखूँ। अब सारी बातें छोड़े, आके खाना खा लें। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे नहीं है। मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा दो, पागल कहेंगी, निकलो कमरे से बाहर। उजाले मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त मेंटली स्टेबल नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम हमजा के रूम में ना जाओ, ना उसको पकड़ो, बल्कि हमजा क्या, तुम रूमी के पास भी ना जाओ। मैं फुल टाइम किसी मेट का इंतजाम कर लूंगा।